नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका अपने घातक लड़ाके को भेज रहा है भारत, और किस प्रकार से अमेरिका और भारत के बीच में होने जा रही है बड़ी डील। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भारत के लिए कौन से हथियार अमेरिका से आ रहे हैं। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में अभी हाल फिलहाल में रूस और यूक्रेन वार के ऊपर वोटिंग हुई थी, जिसमें अपने देश भारत ने एक न्यूट्रल रोल अपनाया था। अब ऐसे में लग रहा था कि अमेरिका हमसे नाराज हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव बनाया था कि दबाव और प्रेशर में आकर भारत रूस के खिलाफ वोटिंग कर दे सुरक्षा परिषद में। परंतु भारत ने फिर भी ऐसा नहीं किया, जिससे अमेरिका ने खुद ही बोल दिया है अब कि रूस और भारत की मित्रता जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में दिखी है, उससे अमेरिका को कोई भी दिक्कत नहीं है और इससे अमेरिका और भारत की दोस्ती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, आज यह खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत के 10 मार्च को होने वाले एक बड़े डिफेंस एक्सपो में अमेरिका अपना घातक सिंगल इंजन का फाइटर जेट भेजने वाला है। अब दोस्तों, सिंगल इंजन में आप इसे F-35 मत समझ लेना, क्योंकि F-35 कभी भी भारत को अमेरिका देगा नहीं, क्योंकि भारत ने खुद ही F-35 लेने से इनकार कर दिया था। अमेरिका भेज रहा है अपना लॉकहेड मार्टिन का F-21 फाइटर जेट, जो कि भारत के लिए स्पेशली तौर पर अमेरिका ने बनाया था। और अमेरिका ऐसी बात सोच रहा था कि भारत के साथ मिलकर इसको हम भारत में ही उत्पादित कर देंगे, जिससे F-21 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। परंतु दोस्तों, प्रेजेंट टाइम के हिसाब को देखते हुए अभी भारत को F-22 रैप्टर जैसे घातक फाइटर जेट की आवश्यकता है, पर अमेरिका अपने F-15EX और F-21 फाइटर जेट को ही भारत को ऑफर कर रहा है। पर दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि डिफेंस एक्सपो 2022 के अंदर केवल F-21 ही आएगा। F-21 के साथ लॉकहेड मार्टिन कई सारे विशेष प्रकार के हथियारों को लेकर डिफेंस एक्सपो में शामिल होने वाला है, जिसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच में सहमति बन सकती है। बाकी दोस्तों, आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है, और जब अमेरिका भारत को तकनीक भी देने को तैयार है, फिर भारत अमेरिका के साथ डील क्यों नहीं कर रहा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।